नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। शायद ही सफर में आपको सामान ले जाने का नियम पता हो। आपको बता दें कि ट्रेन में सफर के दौरान तय लगेज ले जाने का नियम है। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इंडियन रेलवे ने ट्रेन के कोच के हिसाब से सामान का वजन निर्धारित कर रखा है। एक यात्री अधिकतम 40 से 70 किलोग्राम के साथ यात्रा कर सकता है। हालांकि टिकट की क्लास के आधार पर यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की अलग अलग छूट भी दी गई है। प्रसिद्ध भारतीय गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के एक हॉस्पिटल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र करीब 69 साल थी। बता दें कि वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज क्रिटी केयर अस्पताल में चल रहा था। हिंदी सिनेमा में बप्पी दा के नाम से फेमस बप्पी लहरी ने महज 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया और तभी से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। उसके बाद खबर ऐसी आई है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक शख्स ने सुबह करीब 7:45 पर कार लेकर अजीत डोभाल की कोठी में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सही वक्त पर उस शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में शख्स मानसिक रूप से परेशान लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह करोलबाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे और वहां शब्द कीर्तन में शामिल हुए। प्रियम वहां पर श्रद्धालुओं की संगत में बैठे और खुद करताल बजाते देखे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री भक्ति में सराबोर दिखे। पीएम ने मंगलवार को बताया था कि वो संत रविदास जयंती के दिन बुधवार सुबह दिल्ली के करोलबाग स्थित रविदास मंदिर जाएंगे और जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। नौकरी चाहने वालों की बढ़ती संख्या होम विकल्प से स्थायी काम प्रदान करने वाली कंपनियों को चुनना पसंद करती है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी निकल करके सामने आई है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत ने कई नौकरी की भूमिकाओं के लिए घर से काम करना नया सामान्य बना दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक देश में बुधवार को कोरोना के 30,615 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि कल की तुलना में 11.7% ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 514 लोगों की जान गई है। कोरोना से अब तक 5,09,872 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 82,988 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। मान्यवर ब्रांड से पारंपरिक पोशाक बेचने वाली कंपनी वेदांत फैशंस के शेयरों की लिस्टिंग आज उम्मीद से बेहतर हुई है। बीएसई पर वेदांत फैशंस के शेयर अपने इश्यू प्राइस से 8% यानी ₹70 ऊपर ₹936 पर लिस्ट हुए हैं, जबकि एनएसई पर इसके शेयर 7.97% प्रीमियम यानी कि इश्यू प्राइस में ₹69 ऊपर यानी कि ₹935 पर लिस्ट हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच एक बड़ी घोषणा की है। उसने क्रीमिया से सैन्य अभ्यास समाप्त करने की बात कही है। साथ ही बताया है कि सैनिक ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी AFP ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे ठीक पहले एक साल तक यह इस प्रतिष्ठित समूह का अध्यक्ष रहेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। भारत की अध्यक्षता के दौरान जरूरी व्यवस्था को देखने के लिए सचिवालय बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान G20 सचिवालय और इसका रिपोर्टिंग ढांचा बनाने को हरी झंडी दी गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई थी और गर्जन के साथ देर रात बारिश होने की संभावना भी है। गुरुवार को भी आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जनरल ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2021 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी और आखिरी तारीख 14 फरवरी 2022 थी। झारखंड के कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर जांच की मशीन जल्द लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद इसकी जानकारी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली 1,32,00,000 की राशि का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाने की प्रक्रिया प्रदेश की जनता को इस कदर भा रही है कि वो भाजपा की रैलियों में बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं और बुलडोजर में भाजपा को का झंडा लगाकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। राज्य में चुनावी माहौल है। प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश में तीसरे चरण की पारी जीतने की कवायद में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एटा जिले के अलीगंज विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह के लिए मतदाताओं से वोट मांगा। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच आज से कॉलेज खुल गए हैं। कॉलेज खुलने पर छात्राएं हिजाब में कैंपस में पहुंचती नजर आई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि कोर्ट के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।
आज इंट्राडे में टाटा पावर के शेयरों में करीब 3% की तेजी देखने को मिली और यह 236.75 रुपए तक जाता नजर आया है। गौरतलब है कि विदेशी रिसर्च हाउस मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, जिसके चलते आज ये शेयर जोश में दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका यूक्रेन संकट पर भारत सहित अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बात की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को एकतरफा मान्यता नहीं देगी, क्योंकि इस कदम से वो अलग थलग पड़ जाएगा और देश में आर्थिक सुधार के प्रयासों को धक्का लगेगा। खान ने जोर दिया है कि इसको मान्यता देने के लिए इस क्षेत्र के देशों को संयुक्त प्रयास करना होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रचार अभियान की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट में रैली करने पहुंचे हैं। पठानकोट की रैली में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लोगों से एक मौका देने की अपील की है। पीएम मोदी का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरी तरह से पंजाब की सेवा करने का मौका नहीं मिला। कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट यूजर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए नए नए फीचर्स को लॉन्च करता रहता है। अब फ्लिपकार्ट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें यूजर अपने पुराने फोन को फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट के सेल बैक प्रोग्राम से कस्टमर्स अपने पुराने स्मार्टफोन को सेल कर सकते हैं। भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में आज के कारोबार में बीएसई पर 32 रुपए के स्तर पर 5% का अपर सर्किट लगता नजर आया है। गौरतलब है कि कंपनी के शेयरों के विभाजन के रिकॉर्ड डेट भी आज ही यानी कि 16 फरवरी को है। कोरोना महामारी के कारण चिंताएं और अनिश्चितताएं जब कम हो जाएंगी तो अपने आप इसके बाद देश में खपत में तेजी आएगी और मांग में सुधार से निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वर्ष के अंत महामारी के बाद नए आर्थिक गतिविधि की नई शुरुआत होगी। देश के कई हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स के स्टॉक्स में लिस्टिंग के बाद आई भारी गिरावट के चलते भारत में टेक्नोलॉजी कंपनियों के आईपीओ को लेकर जोश ठंडा होता दिख रहा है। ओयो होटल्स और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर दिल्ली वेरी जैसे कई प्रतिष्ठित टेक स्टार्टअप्स अपनी लिस्टिंग की योजनाओं को टालने को मजबूर हो गए हैं और अपनी लक्षित वैल्यूएशन पर फिर से विचार कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। बप्पी लहरी के अचानक निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। कई बॉलीवुड सितारे बप्पी लहरी को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते देखे गए, तो वहीं कई सितारे उनके घर भी पहुंचे, जिसमें एक्ट्रेस काजोल और सिंगर अलका याग्निक शामिल है। सोशल मीडिया पर काजोल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें काजोल अपनी मां तनुजा के साथ उनके घर पहुंची। इस मौके पर काजोल ने अपनी मां का हाथ पकड़ा हुआ था। राजभवन मार्च के दौरान हुई बर्बरता से नाराज जमुई सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को पीसी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, वो सभी मुख्यमंत्री के कहने पर आए थे। मुख्यमंत्री ने ही आदेश दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे चिराग पासवान की आवाज को दबा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर हमें रोक दिया गया। क्या मुख्यमंत्री चाहते थे कि कोई अप्रिय घटना हो? पंजाब के रूपनगर के चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम चन्नी के साथ साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़ी होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। टीवी एक्ट्रेस डांसर और कोरियोग्राफर मोहिना कुमारी जल्द ही मां बनने वाली हैं। मोहिना ने खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ये खुशखबरी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पति सुयश रावत संग अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। मोहिना ने जैसे ये तस्वीर पोस्ट की, फैंस ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले ही अधिक सुरक्षित बना दिया है। ये नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 15 फरवरी 2022 को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुधवार को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस से अमृतसर के मेयर कमरजीत सिंह रिंटू ने पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की हाजिरी में वो आप में शामिल हो गए हैं, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं के मेयर का मतदान से 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ आप में जाना देखने को मिला। पंजाब कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि उत्तर पूर्वी राज्य के सांस्कृतिक और परंपराओं के अनुरूप राज्य में कई स्थानों के नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि नाम में बहुत कुछ रखा है।
हरियाणा के सोनीपत में पंजाबी अभिनेता और लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की सड़क हादसे में जान चली गई। आज यानी बुधवार को उनका पोस्टमार्टम किया गया। हादसे में घायल दीप सिद्धू की NRI दोस्त रीना रॉय अभी खरखौदा CHC में भर्ती है। वही घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें हादसा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर हुआ। दीप सिद्धू अपने साथी के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पप्पू यादव, विपिन ठाकुर, पांडव कुमार, नन्नो कुमार, गजेंद्र सिंह, नीतीश कुमार, विपिन कुमार, बादल कुमार, राहुल यादव, जितेंद्र ठाकुर, विकी कुमार, बिहारी बाबू। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से किस पार्टी के सत्ता में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।